एक शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? दोस्त की तरह, पिता की तरह, एल्डर लाइफ की तरह, कि सामान्य की तरह? तो देखिएगा, एक शिक्षक को, चूंकि अभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चलता है, जो भी चीज़ की जाती है सब बालकों को ध्यान में रखकर की जाती है, तो उसके साथ दोस्तों की तरह, पिता की तरह, एल्डर लाइफ के समान, तो दोस्तों की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, दोस्ताना बिहेव रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है। ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता, रवैया, व्यक्तित्व, खुफिया या योग्यता? देखिए, इसे आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आप इसको अंग्रेजी में देखें तो ज़्यादा समझ में आए। अंग्रेजी में देख सकते हैं, डैश इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। पहला है एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड। तो एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज जो होती है वह होती है आपका इंटेलिजेंस। कौन सा होगा? इंटेलिजेंस होगा। तो सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसी को हिंदी में देखें, हिंदी में आपका जो दिया है, ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता जो है वह खुफिया। अब खुफिया से आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसका इंग्लिश हो जाता है इंटेलिजेंस। नहीं तो इससे आपको समझ में आए, तो जब भी आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो तुरंत अंग्रेजी पर चले जाए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, बालक का प्रथम शिक्षक किसे माना जाता है? देखिए, बालक का जन्म घर परिवार में होता है, पालन पोषण भी घर परिवार में, उसे बाहर नहीं फेंक दिया जाता है, और अधिकांश समय जो बालक का होता है वह किसके आसपास गुजरता है? तो अपने माँ के पास। तो बालक का प्रथम शिक्षक जो माना जाता है वह कौन माना जाता है? उसकी माँ मानी जाती है। सी ऑप्शन, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक, ये बाद की बातें आती है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अगर हम ध्यान दें, आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है? आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है? अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लिया जाए, थोड़ा सा दिक्कत होगी, नहीं तो लिखा है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी, तो ये कौन है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, इनका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा के जनक जो होंगे वो होंगे जीन पियाजे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसे देखा जाए, मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु का अनुपात 100 से गुना किया जाए। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को ये कहा जा रहा है कि मानसिक आयु यानी MA मेंटल एज बटे कालानुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल एज को अगर 100 से गुना कर दिया जाए तो यह क्या होता है? तो आप सभी को पता है, इसे हम लोग नाम देते हैं IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। नहीं, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, तजुर्बा लगेगा, खुफिया भागफल, भावनात्मक भागफल, दोनों। लेकिन जब इसी को आप अगर इंग्लिश में देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, यानी रेशियो ऑफ मेंटल एज यानी MA और क्रोनोलॉजिकल एज यानी CA और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है इंटेलिजेंस कोशंट, जिसको शॉर्ट में आप IQ लिखते हैं, इंटेलिजेंस कोशंट। तो इंग्लिश में आसानी हो जाती है, यानी ऑप्शन कौन सा आपका होगा उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा खुफिया भागफल। IQ इंटेलिजेंस कोशंट को ही खुफिया भागफल कहा जाता है। जय हिंद।